एक ऐसा हाथी जिसने 11 महीनों तक लोगों की नाक में दम कर दिया था। वो ना केवल इंसानों को देखकर भड़क जाता था बल्कि जो भी इंसान उसकी पकड़ में आता वो उसे खत्म कर दिया करता था। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक गुस्सेल गजराज के बारे में जिसका नाम था नरेंद्र। उसने 11 महीनों तक वन विभाग के अधिकारियों की जिंदगी नर्क बना दी थी। वो इसीलिए क्योंकि इस गुस्सेल गजराज को पकड़ने के लिए वन विभाग के अधिकारियों ने न जाने कितने ही प्रयास किए लेकिन ये कातिल हाथी किसी के पकड़ में नहीं आ रहा था। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि इस हाथी ने टोटल कितने लोगों को खत्म किया और जानते हैं कि ये हाथी कैसे पकड़ा गया। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। 10 फरवरी 2011 को सीता देवी नाम की एक लेडीज अपने घर के कामकाज को निपटाकर मवेशियों के लिए चारा इकट्ठा करने कुछ महिलाओं के साथ जंगल के लिए निकल गई। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज उसकी मौत से मुलाकात होने वाली है। वो मौत जो एक हाथी की शक्ल में उसका पीछा कर रही थी। सीता देवी घास काट रही थी कि तभी जोर से एक आवाज आई। वो आवाज थी गुस्सेल गजराज की। आवाज सुनते ही सीता देवी इधर उधर भागने लगी। गड़बड़ी में इधर उधर भागने की वजह से वो गिर गई, जिसके बाद उस हाथी ने सीता देवी को कुचलकर मार डाला। सीता देवी इस मासूम से दिखने वाले हाथी का पहला शिकार थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सीता देवी की मौत तो महज शुरुआत थी। मौत का असली तांडव शुरू होना तो अभी बाकी था। सीता देवी की मौत के बाद उस हत्यारे हाथी ने और एक इंसान की जान ले ली। शुरुआत में तो वन विभाग ने पहली दो मौतों को सिर्फ एक हादसा बताया क्योंकि पहाड़ी इलाकों में इस तरह की घटनाएं आम है। ऋषिकेश के चारों तरफ राजा जी नेशनल पार्क है और वहाँ से जो हाथियों का आने जाने का रास्ता है उसे कॉरिडोर कहा जाता है, यानी एक ही रास्ते से हाथी भी गुजरते हैं और इंसान भी। तो जब रास्ता एक ही होगा तो इंसानों और हाथियों का आमना सामना तो होगा ही, और आमना सामना होगा तो कोई ना कोई हादसा भी जरूर होगा। लेकिन हादसों का ये सिलसिला थमने का तो नाम ही नहीं ले रहा था। 3 अक्टूबर 2011 को इस हाथी ने अव्वल सिंह को कुचलकर मार डाला और अव्वल सिंह इस हाथी का 7वां शिकार था। 7 लोगों को खत्म करने के बाद वन विभाग ने मान लिया कि ये नरेंद्र नाम का हाथी वाकई में मौत बांट रहा है। एक दिन 42 साल के ओम प्रकाश राणा रात के समय अपने स्कूटर से आ रहे थे कि तभी एक विशालकाय हाथी उसके सामने आ गया और वो हाथी नरेंद्र ही था। हाथी को अचानक से अपने सामने देखकर स्कूटर का संतुलन बिगड़ गया जिसके चलते ओम प्रकाश राणा नीचे गिर गए, जिसके बाद हाथी ने उन्हें ना केवल अपने सुंड में लपेट लिया बल्कि लपेटने के बाद उन्हें नीचे भी पटक दिया, जिसके बाद उन्हें अपने पैरों से कुचलकर मार डाला। यहाँ रहने वाले लोगों को नरेंद्र नाम का ये हाथी अक्सर हाथियों के एक छोटे से झुंड के साथ ऋषिकेश के पास सटे हर्बल गार्डन में दिखता था। ओम प्रकाश राणा की मौत के बाद वन विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया, लेकिन इस हत्यारे हाथी को पकड़ना उतना आसान नहीं था जितना कि वन विभाग वाले समझ रहे थे। वो हाथी इतना चालाक था कि वो वन विभाग के लोगों को चकमा देकर घने जंगल में भाग जाता था। जब वो जंगल में चला जाता था तो लोगों को लगता था कि अब उन्हें हत्यारे हाथी से छुटकारा मिल गया है, लेकिन मौत का ये सौदागर कुछ दिनों बाद फिर से लौटकर आ जाता था और शुरू कर देता था मौत बांटने का काम। जब इस हत्यारे हाथी को पकड़ने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो उत्तराखंड वन विभाग ने दूसरे राज्य से मदद मांगी। हाथियों को पकड़ने में महारत हासिल कर चुके दीपेंद्र कालिता और महावत रावा नवंबर के पहले हफ्ते में ऋषिकेश पहुँचे। अपने राज्य में इस तरह के कई हाथियों को पकड़ने वाले कालिता ने हत्यारे हाथी को पकड़ने के लिए एक खास रणनीति बनाई और कॉर्बेट नेशनल पार्क से 3 हाथियों को भी बुलाया गया। इसके अलावा राजाजी पार्क के वरिष्ठ अधिकारी और करीब 2 दर्जन वन गार्ड भी इस इलाके में करीब 1 महीने तक रहे जहां ये हाथी दिखाई देता था। एक हाथी को पकड़ने के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन शायद ही कभी चलाया गया हो, लेकिन ये ऑपरेशन फेल हो गया। सबने एड़ी चोटी तक का जोर लगाया लेकिन हाथी पकड़ में नहीं आया बल्कि इसने तो फिर से अपना खूंखार रूप दिखाया। वो दिन था 22 नवंबर 2011 का। इस हत्यारे हाथी ने फिर से हमला कर दिया, लेकिन इस बार इसने किसी इंसान पर नहीं बल्कि एक हथनी पर हमला किया। गोमती नाम की इस हथनी को उस हत्यारे हाथी को पकड़ने के लिए कॉर्बेट पार्क से लाया गया था, लेकिन हत्यारे हाथी ने गोमती को बुरी तरह से जख्मी कर
कर दिया। 29 नवंबर की रात उस हत्यारे हाथी के लिए बहुत ही बेकार साबित होने वाली थी, क्योंकि हत्यारा हाथी वन विभाग की टीम के हाथों लग गया था और टीम ने उसे बेहोश भी कर दिया था, लेकिन अंधेरे की वजह से उसे घने जंगल में से बाहर नहीं लाया जा सका, जिसके बाद वो हाथी ऋषिकेश हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों को भी निशाना बनाने लगा। फरवरी से नवंबर तक यानी 8 महीने में इस हाथी ने 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और कई लोग घायल हो गए थे। इस हाथी के हमले को देखते हुए उत्तराखंड के मुख्य वन अधिकारी दिग्विजय सिंह घाटी ने हाथी को पकड़ने की इस मुहिम की कमान अपने हाथों में ले ली। उन्होंने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के विशेषज्ञों को अपनी टीम में शामिल कर लिया। डॉक्टर पराग भी इस टीम में शामिल थे जिन्होंने उस हत्यारे हाथी को बेहोश किया था। 2012 का जनवरी महीना आ गया, फिर भी हत्यारा हाथी आजाद घूम रहा था और वन विभाग के 50 लोगों की टीम के साथ लुका छुपी का खेल खेल रहा था। उस हाथी को ढूंढने के चक्कर में पूरी टीम हताश हो गई थी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मुरादाबाद से शिकारी संजय सिंह को बुलाया। संजय और उसकी टीम एक हफ्ते तक उस हाथी को पकड़ने के लिए जंगल में घूमती रही, लेकिन वो हाथी उनके पकड़ में नहीं आया। हाथी को पकड़ने में लगी संजय की टीम भी निराश हो गई थी, इसके बावजूद भी वो बदमाश हाथी किसी के भी हाथों नहीं लगा। इसी बीच वो हाथी इनाम अली को खत्म करने के लिए उसके पीछे आधा किलोमीटर तक दौड़ता रहा, लेकिन इनाम अली की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। उसके बाद उस हाथी को पकड़ने के लिए कई जगहों पर कैमरास भी लगवाए, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। जब हाथी पकड़ में नहीं आया तो वन विभाग के अधिकारियों ने दूसरे संगठनों से मिलकर लोगों को जागरूक करने का काम किया और उन्हें हाथियों के हमले से कैसे बचा जाए ये सब सिखाया। कई सालों से राजा जी नेशनल पार्क और कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच हाथियों के आने जाने का रास्ता यानी कॉरिडोर बना हुआ था, जहाँ से हाथी आराम से आया जाया करते थे, लेकिन इंसानों ने अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए इस रास्ते पर ही शहर बसा लिया। ये जो शहर आप देख रहे हैं, ये पहले कभी हाथियों के आने जाने का रास्ता था, लेकिन इंसानों ने इस रास्ते का हुलिया ही बदल डाला। कॉरिडोर का ये इलाका अब केवल 1 किलोमीटर का ही बचा है। जानकारों का मानना है कि इस रास्ते को भी खत्म कर दिया तो दो जंगलों के बीच हाथियों के आने जाने के लिए बना सबसे अहम कॉरिडोर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। 4 जनवरी 1912 की सुबह वो हत्यारा हाथी हर्बल गार्डन में टहल रहा था, यानी इंसानों के इलाके में। उस हाथी के हाव भाव को देखकर लग रहा था कि उसने अपने गुनाह कबूल करके खुद को सरेंडर कर दिया हो, लेकिन अपने अंदाज में उसने ऐसा नहीं किया कि आओ मुझे पकड़ लो, बल्कि वो वन विभाग के अधिकारियों को इधर उधर दौड़ाता रहा और उन्हें डराता रहा। लेकिन वन विभाग के अधिकारियों के पास उस हाथी को बेहोश करने के लिए हर तरफ मौके ही मौके थे, जिसके बाद डॉक्टर पराग ने नरेंद्र नाम के इस हाथी को बेहोश कर दिया और उसके दोनों दांतों के नुकीले हिस्से काट दिए। ऐसा करने से हाथी इंसानों को देखकर ज्यादा गुस्सा नहीं करता, जिसके बाद उस गजराज को ट्रक में डालकर ले गए और उसे राजा जी पार्क में 30 किलोमीटर अंदर ले जाकर छोड़ दिया, जिसके बाद उस हाथी का एक नाम रखा गया, नरेंद्र। तो दोस्तों, ये थी नरेंद्र की कहानी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।